हेलो फ्रेंड्स, जो आप इस मिक्स प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, जो मिक्स करने की स्थिति में अभी है, जिसके अंदर वाटर को ऐड किया है, तो आप इसके अंदर के क्या देख पा रहे हो कि इसके अंदर के तीन टाइप की स्टैंडर्ड सैंड होती है, जो IS 400 सेट के अंदर दिया गया है। और ये मतलब स्टैंडर्ड सैंड होती है, 2 mm का पासिंग होता है और 1 mm का रिटेन होता है, और 1 mm का पासिंग और 500 का रिटेन होता है, और 500 का पासिंग 90 माइक्रो का रिटेन वाली IS स्टैंडर्ड सैंड होती है, जो क्या है सीमेंट मोटार की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर जो वाटर का रेशो लिया गया है, वो क्या है, जो हमारे पास सीमेंट जो कंसिस्टेंसी को चेक किया जाती है, उसके आधार पर इसके अंदर वाटर को ऐड किया जाता है। और आप इस प्रॉपर्टी को मिक्स करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि इसका मतलब 200 ग्राम वेट लेना होता है तीनों स्टैंडर्ड साइज का, और 200 ग्राम इसके अंदर क्या होती है सीमेंट को मिक्स किया जाता है। तो उसे मिक्स करने के लिए 3 मिनट इसको मिक्स करने का टाइम होता है, और 2 मिनट इसको मोल्ड को भरने के लिए टाइम होता है। जो आप इस प्रोसेस को देख रहे हो, अभी हम मोटार वाइब्रेशन मशीन के ऊपर इसका मोल्ड को कास्ट करेंगे, जिसके अंदर के 2 मिनट के अंदर इसके मोल्ड को फिल किया जाएगा, और 3 मिनट के अंदर इस मिक्स को यूज किया जाएगा। जो मिक्स हम यूज करने वाले हैं, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड साइज का मिक्स होता है, जो मोटार क्यूब को कास्ट किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है। तो आप देख पा रहे होगे अभी क्या मोल्ड को सेट कर रहे हैं क्लिक से, और उसे क्या अच्छे से टाइट कर देना है की से। और उसके बाद की को सेट करने के बाद क्या, जो हमारे पास मोटार वाइब्रेशन जो मशीन है, इसके ऊपर अच्छे से इसके नट से बोल्ट को खींच के अंदर लगा देना है, ताकि ये बाहर ना निकल पाए, क्योंकि इसके अंदर वाइब्रेटिंग बहुत तेज़ होती है, और ये 24,000 पर 1 revolution राउंड मारती है 1 मिनट के अंदर। तो ये अच्छे से क्या इसको की से इसको आप टाइट कर सकते हो, और उसके बाद क्या इसके अंदर मिक्स के फिलअप करो इस मोल्ड को। और इस मोल्ड को फिलअप करने के बाद क्या, 2 मिनट के इस मशीन का टाइमिंग होता है, जो रेवोल्यूशन मारती है, वाइब्रेशन देना होता है इस मोल्ड को। जैसे कि हमारा जो मिक्स प्रॉपर्टी का मटेरियल होता है, वो इसके अंदर के अपने हैंड से या स्पैचुला की या ग्रूविंग की हेल्प से इसके अंदर मोल्ड के अंदर डाल सकते हो, और उसे डालने के बाद क्या अच्छे से इसको कॉम्पैक्ट करना है, ताकि कॉम्पैक्ट करने के बाद इसको अच्छे से एयरबड्स होते हैं बाहर निकल जाए, और इसके अंदर जो एयरबड्स की फिटिंग होती है, वो क्या रहता है वाटर की फिटिंग को रिमूव कर देते हैं, ताकि आपके सामने।
दी है।